टेलीविजन के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 12 में कल जहां रोहित और केवी के बीच हुई नोकझोंक, वही एक्टर करणवीर बोहरा, जिनके बिग बॉस 12 की अब तक की जर्नी रही है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और उन्हें मिल रहा है टेलीविजन इंडस्ट्री से काफी ज्यादा सपोर्ट। वेल, आपको बता दे तो करणवीर को मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन का टैग भी मिल चुका है। केवी को बड़े से बड़े फाइट में भी अपने कूल स्वभाव को मेंटेन करने के लिए और अपनी महानता के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पर रिसेंटली एक टास्क के दौरान रोहित और करणवीर के बीच हो जाती है बहस, जिसमें रोहित बुलाते हैं केवी को कुत्ता, वहां जिसके वजह से केवी को आया इतना गुस्सा कि वो देते हैं रोहित को धमकी कि वो है कुत्ते की दुम और उसे विकास गुप्ता ही ठीक कर सकेंगे। आगे करणवीर बोहरा की वाइफ टीजे ने किया करणवीर को सपोर्ट और कहा कि वो बहुत ही ज्यादा प्राउड है क्योंकि केवी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और वो खुश है कि उन्होंने रोहित को रिटर्न में कोई गंदा कमेंट नहीं किया। और वही दूसरी तरफ बिग बॉस 11 के मास्टरमाइंड विकास गुप्ता, जो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं रोहित सुशांती को, इस बार उन्होंने रोहित के अगेंस्ट किया ट्वीट और कहा कि केवी ने कुछ भी गलत नहीं बोला था और मेरे साथ साथ रोहित की माँ भी इस स्टेटमेंट के खिलाफ और हम दोनों मिलकर रोहित की क्लास लगाएंगे। वेल, इस हफ्ते के एविक्शन में अगर रोहित घर से बेघर हुए तो विकास गुप्ता तो जरूर लगाएंगे रोहित की क्लास। वेल, अब बिग बॉस 12 की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।